बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी स्किन नाइट केयर रूटीन जो कि मैंने रमज़ान में स्टार्ट की है। अगर आप भी ईद पर हेल्दी और ग्लास ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो आप भी इसको फॉलो करें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ले लिए हमने 2 चाय के चम्मच बेसन, एक चाय का चम्मच ले लिया हमने योगर्ट, दो से तीन चुटकी जो है वो हल्दी के ले लिए और एक चाय का चम्मच ले लिया शहद। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्नी प्रोन है और एक्सट्रीम ऑयली स्किन है तो आप शहद की जगह 2 से 3 कतरे जो है लेमन के यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये तमाम स्किन टाइप के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। रमज़ान में क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि महंगे महंगे प्रोडक्ट्स और क्लिंजिंग यूज़ करने से बेहतर है कि आप सिंपल ये ऑर्गेनिक मैजिकल मास्क यूज़ करें। ये क्लिंजर का काम भी करेगा, स्क्रबिंग का काम भी करेगा और मास्क का काम भी करेगा। अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स किया, उसके बाद हम इसे अपने फेस पर, नेक पर और हाथों पर अप्लाई करेंगे। 25 मिनट्स तक हम इसको छोड़ देंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर इसको हमने हाथों की मदद से बहुत आराम आराम से जेंटली रब करना है अपने फेस पर, अपने नेक पर और उसके बाद नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर लेना है। मैं यूज़ करती हूँ हेयर एनर्जी का होल ब्लेंड स्किन फूड जो कि मैंने 4 मंथ्स पहले ऑर्डर किया था, लेकिन मैंने इसको रमज़ान में रेगुलर बेसिस पे यूज़ किया है और इसके रिव्यूज़ यही हैं कि इसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। ये हर स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। स्किन ब्राइटनिंग, एजिंग, हाइपर पिगमेंटेशन, सन डैमेज, स्कार्स, एक्नी स्कार्स, मिलाजमा, सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये हर स्किन टाइप के लिए है। एक्नी प्रोन स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, कम्बिनेशन स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए। और इसके अलावा अगर आप जो भी सीरम आपको सूट करता है मास्क को वॉश करने के बाद आप वो अप्लाई करें और सो जाएं। और ये है जी जेन फॉर्म का मेंडेलिक सीरम। अगर किसी की एक्सट्रीम ऑयली स्किन है और एक्नी प्रोन स्किन है तो वो अपनी नाइट रूटीन में इसको शामिल कर लें तो वो देखेंगे कि बहुत जल्दी जो उनकी स्किन है बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। 25 मिनट्स हो चुके हैं, मैंने फेस अच्छे तरीके से वॉश किया है और अब मैं अप्लाई करूंगी होल ब्लेंड स्किन फूड। और डोंट वरी, जिनके पास ये प्रोडक्ट्स नहीं है, जो मैंने ऑर्गेनिक मास्क आपको बताया है वही काफ़ी है। बस आप डेली ईद तक वो मास्क अप्लाई करें और ईद पर आप बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और हेल्थी स्किन पाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।